ईद मुबारक नाजिम, ये है हमारे साथ साथिया के अहम। हेलो, ईद मुबारक आप सबको। आप सरप्राइज एकदम से मेरे सामने यार, बॉम्बे में तो आप लोग मिलते हैं, पंजाब में भी, क्या बात। देखते हैं नाजिम क्या तैयारियां कर रहे हैं ईद की। क्या तैयारी करो, जो तैयारी की होगी मेरी माँ ने की होगी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या तैयारी की है। ईद की स्पेशल डिश होती है जिसको हम बोलते हैं शीर कोरमा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बना के तो मेरी माँ आ गई है, स्पेशली जो मेरी है वो, लेकिन उनकी उसकी जो मदद करे वो मेरी बहन है छोटी, सबसे जो आपको दिखाई देगी अभी ये है, इसका नाम है अफशा परवीन। हेलो। तो ये है मेरी छोटी बहन सबसे। तैयार तो मैं हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं, वैसे लेट भी हो चुका हूँ थोड़ा सा, बिकॉज तो ईद की नमाज के लिए मैं जा रहा हूँ। ईद की नमाज वैसे थोड़ी सी ईदगाह जो हमारी है यहाँ पे थोड़ी सी दूर है, तो मैं जल्दी के चक्कर में थोड़ा बुलेट पे जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे कज़न मेरे पीछे हैं, तो कुछ फ्रेंड्स आगे चले गए, तो वहीं मिलते हैं। आ जाइए। तो आपको पता है कि आज मैं यहाँ ईद की नमाज़ अदा करने आया हूँ। मैं हर साल यहीं आता हूँ, हमेशा इसी छत पे आता हूँ, बिकॉज़ मैं हमेशा लेट आता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे जगह नहीं मिलती। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है मेरी अम्मी जान। तो वो वैसे ही बहुत चाहे हैं, वो कभी टीवी भी देख लेते, यही बहुत बड़ी बात है। वो टीवी तो मतलब बोलना बहुत दूर की बात है। और मेरे भाभी जी हैं। नाजिम आप बता रहे थे कि आपका जरूर रहता है कि ईद के मौके पे आप जरूर घर पे आए। ऑफ कोर्स मेरा डे वन से ही रहा है, मेरी प्योरिटी रही है ये चीज़ की, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि ईद साल में एक बार आती है, और एक दिन मुझे एक मौका ऐसा मिलता है जब मैं अपने प्रोडक्शन हाउस को बोलता हूँ, हक से बोलता हूँ कि मुझे जाना है, मुझे रोकना मत। तो जी ये मेरी ईद है, 500 रुपये देख सकते हो। ये ईद पे ऐसे ही मिलते हैं पैसे हमेशा।